सो हेलो वेलकम बैक टू माई चैनल माई सेल्फ गौरी एंड येस वेलकम बैक टू माई चैनल सो फॉर टूडे इस वीडियो आज की वीडियो में आज बिल्कुल भी मेकअप इंक्लूड नहीं है आज सिर्फ हम स्किन केयर के बारे में बात करेंगे एंड विच इज़ दिस सो आज हम बात करेंगे मिनिमलिस्ट का नियर सना माइट फाइव पर्सन एंड एच ए वन पर्सन तो आज इसके बारे में मैं आपके साथ मैं अपने व्यूज़ शेयर करना चाहूँगी एंड सो या यही है आज की वीडियो में एंड अगर आपको जानना है ये कैसे वर्कआउट करता है मेरे लिए ये कैसा वर्कआउट किया इसने मुझे क्या रिजल्ट्स दिए दिए या फिर नहीं दिए एंड uh, तो यही सब जानने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो देन ये वीडियो पूरा देखना एंड वीडियो में आगे जाने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल नाउ विथ ऑल बीन सैड लेट्स गेट इन द वीडियो जस्ट टू बी फेयर लाइक पूरा आपको दिखाने के लिए मेरी स्किन एग्जैक्टली exactly कैसे दिख रही है अभी लाइक like, ये है मेरी एग्जैक्ट स्किन मैंने आज मॉइस्चराइजर भी नहीं लगाया है लाइक like, मैं आपको पता नहीं कैसे रिजल्ट दिखाऊँ बट लुका दैट बहुत ड्राई हो रखी है एंड ये है मेरी स्किन की एक्चुअल लाइक like, अभी सिचुएशन तो लाइक लुका दैट मैंने अभी रख किया इसलिए ये रेडनेस हो रखी है सो मैं आपके सामने ही लाइक like, मैं अपना फुल full... कैसे बताऊँ मैं आपको लाइक लेट्स मॉइस्चराइज माई फेस एंड मॉइस्चराइजर नहीं लगाऊंगी मैं सिर्फ फेस और लगाऊंगी विच इज़ दिस हाइड्रेटिंग लाइक ये मास्क का है सो लेट्स अप्लाई दिस क्योंकि बहुत ड्राई हो रखी है बहुत ही ज़्यादा एंड uh, इसीलिए बाकी कुछ नहीं एंड आई डोंट थिंक ये मॉइस्चराइजर अभी ये ऐसे कुछ लगाने से रियल स्किन टेक्स्चर या फिर जो भी है पिगमेंटेशन या फिर एक्नेस uh, काज है, है जो भी है वो हाइड हो जाता है तो इसीलिए जस्ट टू मॉइस्चराइज माई स्किन आई एम गोइंग टू अप्लाई नाइसली सो ऐसा कुछ दिखता है ऑटो माई स्किन इन मॉइस्चराइज एंड लेट्स टॉक तो ये कुछ ऐसा है तो इट्स मैंने मैं लिस्ट नियन एम एट फाइव परसेंट तो ये मैंने यूज़ किया था क्योंकि मुझे ना लाइक like, मैं अपने बता दूँ पहले मैं अपने स्किन इश्यूज़ बता दूँ जो मुझे पहले थे तो मुझे ना मेरे कभी भी एक्ने लाइक like, मुझे कभी भी मेरे फुल लाइफ में अभी तक तो मुझे कभी भी एक्ने के इश्यूज़ नहीं है तो मेरी स्किन एक्ने प्रूफ है आई कैन से क्योंकि कभी भी मुझे एक्टिस् नहीं हुए तो मैं एक्ने पे बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी क्योंकि मुझे उस उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है तो जस्ट फॉर लाइक दिखाने के लिए या फिर मैं वीडियो बना रही हूँ इसीलिए मैं बिल्कुल भी फेक uh, क्या बोलते हैं कोई भी बनाऊंगी नहीं खुद से कि मुझे एक्टनेस थे इसने इम्प्रूव किया है एक्टनेस का चले जाते हैं ऑल दैट स्टफ मेरी कभी भी एक्ने नहीं हुए हैं तो मेरी वैसे स्किन भी नहीं है तो मैं उसके बारे में बात भी नहीं करूँगी बट uh, इसके बारे में बात करना है एंड ये कुछ ऐसा दिखता है इसकी पैकेजिंग अच्छी खासी है एंड इट रिटेल्स फॉर फाइव नाइन्टी नाइन एंड अगेन आई गेस ये आपको नायका पे मैंने इससे नायका से लिया था नायका पे मिल जाता है इसकी एक वेबसाइट भी होती है मिनम लिस्ट की उसमें भी मिल जाता है आई गेस मुझे आइडिया नहीं है बट स्टिल एंड ऑल्सो अमेजोन पे तो so, ये इट रिटेल्स फॉर फाइव नाइन्टी नाइन बट आई गेस आपको ये फाइव नाइन्टी नाइन तो फोर नाइन्टी नाइन या फिर फाइव हंड्रेड तक डेफिनेटली मिल जाएगा तो ये आफ्टर दिस आपको कुछ ऐसे ब्लैक प्रिंटेड मैं आपको ऐसी बॉटल मिल जाती है तो ये कुछ ऐसी दिखती है एंड अगेन एज अ डिस्क्लेमर मैं आपको बता दूँ तो, मैं कोई भी प्रोफेशनल नहीं हूँ तो मैं जस्ट अपने व्यूज मेरे थाट्स शेयर कर करूँ दैट्स इट एज एंड लेट मी टेल यू ऐसे कोई भी एक्टिव प्रोडक्ट्स हो तो वो यूज़ करने से पहले आप डेफिनेटली पैच टेस्ट करना एंड हाथ पे मत करना क्योंकि हाथ की स्किन लाइक हैंड के स्किन like एंड योर लाइक फेस की स्किन बहुत अलग होती है ये ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो मेक श्योर sure आप यहाँ पे करो एंड ट्वेंटी फोर आवर्स रख दो एंड अगर कुछ रिएक्शन नहीं देता है तो गो फॉर इट तो मैं तो वैसे ही कर दी हूँ कि ऐसे लाइक एक्टिव इंग्रीडियंस प्रोडक्ट यूज़ करने से पहले मेक श्योर sure आप पैस टेज ज़रूर करना सो so, ये कुछ ऐसे बॉटल में आती है विच इज़ सो गुड लाइक पैकेजिंग तो टॉप नॉस थी एंड मैंने जैसे कि बोला एटीटीज फोर फाइव नाइन्टी नाइन एंड आई डोंट नो इसमें कुछ बचा है कि नहीं बट लेट्स सी ओके okay, थोड़ा सा है क्योंकि ये बॉटलोस्ट ऑलमोस्ट क्या पूरी खत्म हो चुकी है लेट मी शो यू लाइक ओके okay. नहीं है क्योंकि मैंने इसे और, पूरा ख़त्म कर दिया है ओके okay. तो ये कुछ ऐसा है लाइक इसका टेक्सचर टेक्स्चर लुकदा ये ज़्यादा वाटरी भी नहीं है एंड वॉट ज़्यादा थिक भी नहीं है ये इन मिडिल है एंड जब भी आप इसे यूज करते हो तो बिल्कुल भी हैवी नहीं लगता है पूरा आपके स्किन ना अच्छा। अच्छे से इसे लाइक क्या बोलते हो सिंकिंग हो जाता है आपके स्किन में बिल्कुल भी लाइक लुकदार बहुत हाइड्रेटिंग भी है ओके okay, इसको so पहले बात कर लेते हैं कि इसे यूज़ कैसे करते हैं अगेन इसके पीछे पूरा दिया होता है कि कैसे यूज़ करते हैं कैसे नहीं यूज़ कर सकते बट स्टिल मैं बताती हूँ मैं कैसे यूज़ करती हूँ तो मैं पहले अपना क्लेंज़र यूज़ कर लेती हूँ क्रीमी क्लेंज़र विच इस फ्रम अ डमाक हो एंड आफ्टर दैट थोड़ा सा मैं अपना स्किन लाइक आफ्टर लाइक यूजिंग टॉवल जो भी आप कहते हैं उसके बाद थोड़ा सा स्किन में थोड़ा सा लाइक वेटी रखती हूँ डैम रखती हूँ थोड़ा सा एंड आफ्टर दैट मैं इसके अच्छे खासे इस पर लिखा है टू थ्री ड्रॉप्स बट जब मैं टू थ्री ड्रॉप्स देती तो वो पता नहीं वो लाइक बहुत कम होता है मेरे लिए तो मैं अच्छा खासा एक पंप ले लेती हूँ एंड पूरा लेके अच्छे से एंड अगेन ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है इसलिए आपको इसको रब नहीं करना होता ये मुझे पहले नहीं पता था बट स्टिल तो मैं इसे अच्छे से अब कर लेती थी एंड आफ्टर दैट मैं जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम था लाइक like, मुझे ये बहुत प्रॉब्लम एट फर्स्ट मेरा कोई भी प्लान नहीं था कि मैं ये आपके साथ शेयर करूंगी इसके लिए मैं लाइक like, कोई पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगी बट देन आई थॉट कि वाई नॉट मुझे इसके रिजल्ट दिखने लगे तो वैसे वैसे आई थॉट कि लेट्स शेयर एंड जब मैंने पहले के लाइक टेन फिफ्टीन डेज आई डोंट थिंक मेरे पास इसका कोई भी लाइक like, uh, मैंने उसका कोई ऐसा छोटा छोटा फुटेज लिया है तो आई एम सॉरी फॉर दैट बट एंडिंग एंडिंग में वेन आई थॉट कि लेट्स शेयर तो उसके लिए आपको कुछ लाइव दिखाने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना तो मेरे पास एक दो लाइक है तो आई शेयर दैट विथ यू ऑल तो मैं आपको स्क्रीन पर दे दूँगी कहीं ना कहीं पर तो, तो... इसे यूज़ कर इसे मैंने क्यों यूज़ करना स्टार्ट किया क्योंकि मुझे ना अराउंड माई माउथ बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन था मुझे एक्टनेस की कोई इशू नहीं है पहले से तो वो मेरा कंसर्न था ही नहीं मेरा कंसर्न था पिगमेंटेशन विच वॉज रियल है बहुत ज़्यादा था आई डोंट नो वो कभी कैमरा में दिखा कि नहीं बट मैं आई बटन पे एक वीडियो पोस्ट कर दूँगी लाइक वीडियो लिंक कर दूंगी आप वो वीडियो ये वीडियो पूरा देखने से पहले उस पर जाना एंड देखना मेरा स्किन इश्यूज़ कैसे था क्योंकि जैसे कि मैंने बोला मैं श्योर नहीं थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि नहीं इसलिए मैं अपने पहले लाइक बिफोर आफ्टर तो मेरे पास है नहीं आई एम सो सॉरी फॉर दैट बट स्टिल आप वीडियो पर क्लिक करना एंड आपने मेरा स्किन देखो आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं बोलूंगी कि इसने मेरे लिए वर्क किया है इसने मेरी स्किन की पूरा टेक्सचर बहुत स्मूथ कर दिया है इवन मेरा कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा लाइक लाइटर हो गया है ये आपके पोर्स के जो जिनके ज़्यादा लार्ज पोर्स होते हैं वो भी मिनिमाइज़ करने में हेल्प करता है एंड अगेन मैं उसके बारे में मैं कुछ नहीं पता है मुझे क्योंकि मेरे मुझे पोर्स की इश्यूज़ नहीं है तो आई डोंट थिंक मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी लेकिन अगर आपको मेरे जैसे लाइक पिगमेंटेशन uh, की इश्यूज़ है लाइक किसी किसी को यहाँ पे होता है पिगमेंटेशन एंड uh, यहाँ पे भी होता है मुझे यहाँ पे भी था बहुत ज़्यादा तो यहाँ पे मेरा मेन इश्यूज़ था तो उसने इसने तो बहुत अच्छा काम किया है मेरी स्किन पे एंड अगेन uh, ये प्रोडक्ट मुझे क्यों अच्छा लगा लेट मी टेल यू फर्स्ट क्योंकि इसमें ना ये लाइक like, मैं ऐसे सोचती हूँ कि कोई भी स्किन केयर में ना फ्रेग्रेंस नहीं होनी चाहिए जब भी कोई स्किन केयर मैं यूज़ करती हूँ उसमें फ्रेग्रेंस मुझे मिल जाता ना तो आई डोंट नो भाई मुझे पहले से फीलिंग आती है कि वो काम ही नहीं करेगा ये मेरा थिंकिंग है लाइक द वे आई फील मैं बता रही हूँ आपको बट ये जब मैंने लाइक like, लिया एंड जब मैंने इसे लाइक like, ट्राई किया इसमें ज़ीरो फ्रेगरेंस था ये भी फ्रेगरेंस नहीं है इसमें एंड इसमें भी फ्रेगरेंस नहीं है तो दैट वाज गुड एंड इसे यूज़ कैसे करना है इसमें ना पहले इंग्रेडिएंट दिया है विच इज़ एलोवेरा जूस तो एलोवेरा जब भी आप लगाते हो आपने कभी लगाया एलोवेरा जेल या फिर एलोवेरा जब भी आपको पता है आपकी स्किन पूरी ड्राई हो जाती है तो मेक श्योर sure आप इसे यूज़ करने के बाद अच्छे से मॉइस्चराइजर कर लो जैसे मैंने आपको दिखाऊंगी मैं कि मैंने कैसे यूज़ किया है तो मॉइस्चराइज़र लगा के एंड ये एक्टिव इंग्रेडिएंट है तो मेक श्योर कि आप अगर ये यूज़ करें आपका स्किन केयर में तो मेक श्योर sure आप सनस्क्रीन लगाना अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो ये वन पर्सन भी काम नहीं करेगा आई एम डैम श्योर वन पर्सन भी आपके स्किन में काम नहीं करेगा तो मेक श्योर sure आप जब भी ऐसे कोई एक्टिव प्रोडक्ट्स यूज़ करते हो स्किन केयर में तो डेफिनेटली मेक श्योर कि आप इसे सनस्क्रीन लगाओ एंड मैं तो इसे कभी डे में नहीं लगाती हूँ मैंने जब भी लगाया मैंने मैंने अपने नाइट स्किन केयर रूटीन में ही इसे इंक्लूड किया था तो नाइट में तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती बट जब अगर नेक्स्ट डे मुझे कहीं बाहर जाना तो मैं मेक श्योर करती दूँ कि मैं हमेशा जब भी मैं यू ये यूज़ करूँ या ना करूँ बट मेक श्योर कि आप सनस्क्रीन डेफ़िनेटली लगाना क्योंकि उसके उससे आपको स्किन बर्न भी हो सकता है एंड मे बी आपको अभी रिजल्ट नहीं दिख रहे हैं बट जैसे जैसे आप ग्रो करोगे आपकी एज बढ़ती जाएगी डेफिनेटली आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो, तो मैंने इसे टोटल यूज़ किया था लाइक वन मंथ से भी ज़्यादा वन मंथ से भी मैंने इसे ज़्यादा यूज़ किया तब जाके मैं आपके साथ ये वीडियो फुल ऑन शेयर कर रही हूँ एंड जैसे कि ऑर्गेन मैं इसे पूरा कर रही हूँ बट इसमें नहीं आ रहा है तो आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि ये पूरा ख़त्म हो चुका है ये फुल इसमें थोड़ा सा बचा था एंड पता नहीं कैसे बचा था बट थैंक गॉड आपको उसका टेक्सचर देखने को मिल गया तो अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आई थिंक यू कैन गो फॉर दिस मेरी तो अच्छी खासी थी पीमेंडेशन जैसे मैंने बोला उसके लिए तो इसने बहुत अच्छा काम किया है मेरी टेक्स्चर भी बहुत बदल गया लुक एट दैट अच्छा खासा टेक्स्चर बदल दिया इसने मेरे स्किन का बहुत ज़्यादा मेरा टेक्स्चर स्मूथ हो गया है अन ईवन स्किन टोन नहीं है मेरी अभी लाइक आई एम श्योर इतना भी लाइक लुक एट दैट आपको दिखेगा यहाँ पे बट इतना नहीं है कि लाइक लुक एट लुकादार पीटे यहाँ पे है ये ये जो है ना ये ये है एंड आई लाइक एक महीने में और इससे ज़्यादा मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी वन मंथ में ही इसने मेरा इतना अच्छा पिगमेंटेशन ऑलमोस्ट खत्म कर दिया रुका दार नहीं है इसलिए मैंने आपको बोला कि जो मैंने वीडियो लिंक किया है आई बटन में मेक श्योर आप वो पहले देखो एंड देन आप ये मेरा अभी का वीडियो देखो तो डेफिनेटली आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि इसने कैसे पिगमेंटेशन पूरा लाइक ऑलमोस्ट नाइन्टी परसेंट इसने मेरा पिगमेंटेशन रिमूव कर दिया है तो आई एम सो हैप्पी एंड मेरा स्किन टेक्स्चर भी बहुत स्मूथ हो गया है एंड मेरा कॉम्प्लेक्शन भी इसने अच्छा खासा कर दिया है एंड लिटरली मुझे बहुत अच्छा फील हो मैंने इस प्रोडक्ट पे लाइक स्किन के पे मैंने कोई भी रिसर्च नहीं किया था एंड uh, मुझे सिर्फ पिगमेंटेशन मैंने जैसे देखा कहीं पे तो कि ये पिगमेंटेशन के लिए अच्छा है एंड अगर आपके एक्नेस का से उसको भी ये रिमूव करता है लाइक uh, अगेन like, ये बहुत जल्दी रिजल्ट नहीं दिखाता है आपको फिफ्टीन या फिर थर्टी लाइक वन मंथ तो डेफिनेटली लगता है आपको रिज़ल्ट देखने के लिए तो मैंने पूरा देखा है तो इसलिए मुझे इस पर अच्छा खासा ट्रस्ट है तो अगेन जैसे कि मैंने बोला दो बार मैंने ऑलमोस्ट बोल दिया है कि मुझे एक्ने के बारे में पता नहीं है बट अगर पिगमेंटेशन की आपको प्रॉब्लम है लाइक मी लाइक अराउंड माई माउथ जो मोस्टली लोगों को होती है तो मेक sure आप ये डेफिनेटली एक बार ट्राई करना आई एम श्योर आप डिग्रेट नहीं करोगे बट पेशेंस चाहिए आप में जैसे कि मेरे में थे जब मैंने स्टार्टिंग के टेन फिफ्टीन डेज़ में तो मुझे बिल्कुल भी लाइक डिफरेंस ना मुझे पॉइंट फाइव पॉइंट टेन ऐसे कुछ तो डिफरेंस दिख रहे थे तो मेक श्योर sure आप पेशेंस रहो एंड स्किन केयर जब आप यूज़ करते तो मेकश्योर पेशेंस sure आप में होना चाहिए क्योंकि स्किन केयर ओवर में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखता है वो मेकअप दिखाता है लाइक है ना फाउंडेशन लगाया तो आपकी पिगमेंटेशन या फिर जो भी स्का पिम्पल्स है या फिर एक्ने स्किन है तो उसके हाइड करने में मेकअप काम करता है बट स्किन के काम करने में टाइम लगता है अगेन मैं आपको बता दूँ तो, मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ मैं अपना खुद का व्यू शेयर कर रही हूँ एंड अगेन मैं दो बार बोल चुकी चूँकि मैं वापस से बोलूँगी मेकशॉर sure, ऐसे कोई भी एक्टिव प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो तो मेक श्योर sure आप पैस्टाइज जरूर करना ट्वेंटी फोर आवर्स रहने दो तो अगर कुछ रिएक्शन नहीं मिल रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो एंड अगेन इसमें फ्रेगरेंस नहीं है इसमें एलोवेरा जूस है विच इज सो गुड ये अगर आप सिर्फ इसे लगा के सो जाओगे तो आपकी स्किन में बिल्कुल मॉइस्चर नहीं रहेगा क्योंकि इसमें एलोवेरा जूस है तो पूरा मॉइस्चर ये हो जाता है तो मेक श्योर sure आप इसके बाद अच्छे से एक लेयर अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगाओ एंड मॉइस्चराइजर के लिए भी ये फ्रेगरेंस फ्री है ये फ्रेगरेंस फ्री है एंड फॉर मॉइस्चराइजर भी मैं डमा का ही बस है आ, मैं आपको वीडियो में आपने देख रहे होंगे कहीं पे इसके बाद या फिर इसके पहले देखा होगा तो उसमें मैंने आपने देखा होगा कि मैंने डरमा को के ही प्रोडक्ट्स यूज़ किए अगेन ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है लेट मी टेल यू ये सभी प्रोडक्ट्स मैंने अपने खुद के पैसे से लिए हैं तो इसके डर्माकोक के प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसमें फ्रेगरेंस नहीं होती है तो मॉइस्चराइज भी मैंने फ्रेगरेंस फील लिया था इसलिए आई गेस मुझे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देखने मिले ऐसे मुझे लगता है एंड अगेन अपने स्किन में uh, and एंड अगेन आपको कोई इश्यूज़ है तो मेक श्योर sure आप अपने स्किन को पहले अच्छे से देखें लाइक स्टडी करो आपके स्किन में क्या इश्यूज़ है कोई भी प्रोडक्ट बस दिख रहा है प्रमोट uh, कोई कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत करना कि ले लो एंड यूज़ कर लो एंड लाइक like, काम नहीं करा तो फिर पैसा वेस्ट है है ना तो इसीलिए मेक श्योर कि पहले देखो पहले अपने स्किन के इश्यूज़ समझो एंड देन लो अगेन मैंने भी ये कोई लाइक uh, like, बहुत एक्सपेक्टेशन uh, से नहीं लिया था बट अच्छा खासा वर्क किया इसने मुझे एंड आई एम श्योर कि मैं लूँगी नायासेनामाइट आपके स्किन टेक्सचर को हेल्प करने में अच्छा मदद करता है लाइक like, स्किन टोन को स्मूथ करने में इवन टोन देने में पिगमेंटेशन को हटाने में नयासेनामाइट बहुत अच्छा काम करता है तो अगर आपको मेरी भी जैसे पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है अराउंड माउथ एंड ऑल दैट स्टफ तो मिक्सर आप इसे ट्राई कर सकते हो मेरे लिए तो इसने अच्छा खासा वर्क किया है बहुत अच्छा वर्क किया है बहुत ही ज़्यादा एंड अगेन मेरे पास ज़्यादा स्किन केयर में लाइक स्किन केयर के लिए मैं ऐसे नहीं है कि मैं विटामिन सी एंड ऑल दैट स्टफ़ लाइक बहुत सारे प्रोडक्ट यूज़ करती ऐसे बिल्कुल भी, भी नहीं है ये फ़र्स्ट जैसा एक्टिव स्किन केयर है सेकेंड है मैंने एक्चुअली पील ऑफ भी यूज़ कर दी हूँ मैं बट वो जब मैंने ये यूज़ किया था मैंने सिर्फ यही यूज़ किया था इसके सिवा मैंने और कुछ भी एक्टिव प्रोडक्ट्स मैंने अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल नहीं किया था तो मैंने सिर्फ ये यूज़ किया था इसके पहले मैं यूज़ करती थी क्लेंज़र विच इज़ वॉस फ्राम डमाको एंड देन मैं ये यूज़ करती थी थोड़े से गीले फेस जब थाना था ना था अभी इसके ऊपर मैं ये यूज़ करती थी एंड आफ्टर दैट मैं मॉइस्चराइजर लगा लेती थी एंड नेक्स्ट डे जब मुझे बाहर जाना होता था तो मैं बिना भूले बिना भूले मैं सनस्क्रीन लगाती थी, थी। सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो मैं वापस बताती हूँ ये बिल्कुल काम नहीं करेगा तो ये पैसा वेस्ट हो जाएगा तो मिक्सचर आप सनस्क्रीन डेफिनेटली लगा एंड नाउ आई डोंट थिंक मेरे पास और कुछ ज़्यादा बोलने के लिए है बस यही था मेरा ओवरऑल रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट विच वॉज फ्राम अ मिनिमलिस्ट एंड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है मेक श्योर sure अगर आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो आप इसे ट्राई कर सकते हो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है क्योंकि मैंने अराउंड मैं माउथ पिगमेंटेशन के लिए मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए थे पहले बट uh, पता नहीं कोई भी काम नहीं कर रहा था बट जब मैंने ये, ये यूज़ किया इसने अच्छा खासा लग बहुत ही अच्छा इसने इफेक्ट दिखाया है एंड दैट्स इट फॉर टू डेज़ वीडियो आई डोंट नो ये आप हेल्पफुल होगा कि नहीं बट अगेन मेरा काम है मैं अभी वीडियोज़ बनाती हूँ तो मैं अपने व्यूज़ ओपिनियंस आपके साथ शेयर करना चाहूँगी मे बी आपको आप में से किसी को ऐसा इश्यूज़ होगा पिगमेंटेशन का तो आप इसे ट्राई दे सकते हो तो मे बी आपको हेल्पफुल होगा जैसे <laughs> मुझे था तो या दैट्स इट फॉर टू डेज़ वीडियो एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा लाइक थोड़ा भी तो मेक शोर sure आप ये वीडियो को अच्छा खासा लाइक देना आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करो सब्सक्राइब भी करना मत भूलना एंड नाउ एल सी द नेक्स्ट वीडियो बाई